हवा से सतह पर मार करने वाली भारत की रहस्यमयी बैलिस्टिक मिसाइल। ₹2,120 किलोमीटर प्रति घंटे की जबरदस्त स्पीड, 250 किलोमीटर दूर पर चलता हुआ टारगेट कर देती है ढेर। जिसे दुश्मन की लंबी दूरी का रडार सिस्टम भी नहीं भेद पाए। सुखोई 30 के साथ मिसाइल का डेडली कॉम्बिनेशन। एक शॉट में ही उड़ा कर रख दे चीन पाक के एयर डिफेंस सिस्टम। क्रिस्टर 2 की ललकार से मचा कोहराम। वेलकम टू द मिसाइल आर्मी। चाहे बात LAC की हो या फिर LOC की, सरहद पर दुश्मन की फितरत से हिंदुस्तान पूरी तरह से वाकिफ हो चुका है। पाकिस्तान और चीन की नापाक हरकतों से साफ है पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्ते जंग की कगार पर हैं। किसी भी दिन ये जंग भड़क सकती है, लेकिन 21वीं सदी का भारत इस बार ढाई मोर्चों पर जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। भारत की बढ़ती सामरिक ताकत ने दुश्मनों के होश उड़ा दिए हैं। भारत न सिर्फ अपनी सीमाओं पर सुरक्षा को मजबूत करने की पूरी तरह से जुटा हुआ है, बल्कि उसके हथियारों के जखीरे में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। अब भारत ने अपने मिसाइल जखीरे में एक ऐसी रहस्यमयी मिसाइल शामिल की है जो चीन के शहरों को चुन चुन कर निशाना बना सकती है। ये मिसाइल चीन और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ही उड़ा सकती है। इसके लिए भारत को दुश्मन के एयर स्पेस में भी जाने की जरूरत नहीं होगी। भारतीय वायुसेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसमान में हवा से सतह पर मार करने वाली नई बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल ने तेज गति से टारगेट को सटीकता से हिट किया है। मिसाइल टेस्टिंग के लिए वायुसेना ने अपने सबसे घातक फाइटर जेट सुखोई SU-30 MKI का इस्तेमाल किया था। परीक्षण के लिए अंडमान और निकोबार का चयन इसलिए किया गया था क्योंकि यहां पर तीनों सेनाओं का बेस है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है उस रहस्यमयी मिसाइल का नाम जिसने सबके होश उड़ा दिए। इस मिसाइल का नाम है क्रिस्टल मेज 2। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इसे इजराइल के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। इजराइल में इस मिसाइल को रॉक्स भी बुलाते हैं तो पोपाई भी कहते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है क्रिस्टल मेज 2 की खासियत। यह मिसाइल क्रिस्टल मेज 1 से एकदम अलग है। इस मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर है। यह स्टैंड ऑफ रेंज एयर टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी खासियत है कि ये मूविंग टारगेट्स को भी आसानी से निशाना बना सकती है। दुश्मन के लंबी दूरी के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम भी इसके आगे टिक नहीं पाते। 15 फीट लंबी इस मिसाइल का वजन 1,360 किलोग्राम है और इस पर 340 किलोग्राम वजन का वॉरहेड यानी हथियार लगाया जा सकता है। इसकी अधिकतम स्पीड 2,120 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस मिसाइल को अग्नि प्राइम की तरह ही एडवांस मिसाइल माना जा रहा है। एक तरफ भारत अपने मिसाइलों के तर्कश में एक से बढ़कर एक मिसाइलें शामिल कर रहा है, तो वहीं भारत ने दुनिया की सबसे तेज ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप फिलीपींस को देकर चीन की नींद उड़ा दी है। फिलीपींस ने पहली बार दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास शुरू किया है। फिलीपींस ने चीन को सबक सिखाने के लिए भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें भी खरीदी हैं। यानी भारत कूटनीतिक मोर्चों पर भी दुश्मन देशों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है।